जो है वो सभी एक साथ मिलकर ये भंडारे का आयोजन करते हैं और कुल मिला के कोई 10-15 लोगों की ये कमेटी है। बड़ा बड़ा सहयोग देते हैं अपने, कोई बंदे अपने, हमारा ऐसा है कि हम घर घर में किसी की ग्राही करने में नहीं जाते हैं। हम अपना एक छोटा सा मंदिर यहाँ बनाते हैं अपना खुद से, और जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जितने जिसकी जेब होती है, वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर कोई दान देता है, कोई कुछ देता है। बाकी माता रानी की कृपा है जो कि हम आज इस लायक हैं कि हम इतना बड़ा भंडारा करने योग्य बन चुके हैं। बाकी आपको पता ही होगा ये हमारा 20वां जागरण और भंडारा है, और आज थोड़ा मौसम खराब है आज, इसलिए हम भंडारा ही कर रहे हैं। आगे माता रानी की कृपा हुई, अगर आज ही कृपा हुई तो आज हम जागरण भी करेंगे, नहीं तो हमारा जागरण शिफ्ट हो चुका है मंगलवार को। आप सबसे हाथ जोड़ के मैं करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि सभी आए और प्रसाद ग्रहण करें, और मंगलवार को रात 9 बजे से लेके सुबह से 6। सबसे पहले सभी को जय माता दी। और इस हम हर साल की तरह इस साल भी वार्ड नंबर 2 में अपना 20वां वार्षिक भंडारा और जागरण करवा रहे हैं। बड़ी धूमधाम से लोग यहाँ पे भंडारा खाने आ रहे हैं, और इस साल एक बारिश के कारण, मौसम के कारण हमने अपना जो रात को जागरण था वो हमने पोस्टपोन कर दिया, और वो जागरण हम मंगलवार को करेंगे, जिसमें हमारे लोकल टीम दिलशेर जी और उधमपुर की एक मैडम आ रही हैं। मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इस जागरण में हिस्सा लें, और मंगलवार की रात को पूरा कठुआ जाने कि वार्ड नंबर 2 में एक जागरण हो रहा है। और सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि नशे दूर हैं, जितना नशे दूर होंगे उतना ही आपका जो जीवन है वो एक सक्सेस की तरफ चलेगा। और हम वार्ड नंबर 2 में अभी जो हम भंडारा करवा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सहयोग है हमारे चौधरी लाल सिंह का, जो अभी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पंजे पे वोट मोहर लगानी है। कृपा से 20वां वार्षिक भंडारा और जागरण हम करवा रहे हैं। माता रानी की कृपा से हम यही चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की शांति बने रहे, हमारे कठुआ की शांति बने रहे, हमारे वार्ड नंबर 2 की शांति बनी रहे, और जो बच्चे हैं हमारे अच्छे अच्छे रास्ते पर चले, भगवान के प्रति इनकी लगन हो, और जो नशे से दूर रहें। यही हम किंदा सबसे गुजारिश करते हैं कि आओ भंडारा खाओ और अच्छे अच्छे काम करो, इन बच्चों को भी आगे आने का मौका मिले और अच्छे अच्छे काम मिले और नशे से दूर रहे। हमारा यही संदेश।